नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एम एस न्यूज 24। आइए देखते हैं खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले के जिला अस्पताल में आज नव नियुक्त परिषदीय शिक्षकों की मेडिकल जांच में स्वास्थ्य कर्मी बिना पीपी किट पहने कोविड सैंपल लेते नजर आए। 7 काउंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखने जैसी लापरवाही देखने को मिली। हम आपको बताते चले कि इन दिनों 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में 760 शिक्षकों की मेडिकल जांच सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल स्थित रैन बसेरा में की जा रही है। इस मामले को लेकर जब हमने सीएमओ से बात की तो उन्होंने पीपी किट पहनने को लेकर बताया कि कोविड जांच के लिए मास्क ही पर्याप्त है, फुल पीपी किट केवल कोरोना संक्रमित लोगों के उपचार के लिए आवश्यक है। लेकिन 760 शिक्षकों में यदि कोई कोरोना संक्रमित शिक्षक निकला और इस लापरवाही से यह संक्रमण अन्य किसी स्वास्थ्य कर्मी को हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता सुफियान चौधरी की रिपोर्ट। ऐसा है, पीपी किट कई प्रकार की होती है। आप अगर एक मास्क पहनते हो वो भी पीपी किट का पार्ट है, एक ग्लव्स पहन लिए वो भी पीपी कार्ड का, और एक होता है फुल बॉडी पीपी किट जो फुल कवरेज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सी पीपी किट कहाँ पहननी है। यदि हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जाते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आप फुल पीपी किट पहने, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव केस है, ठीक है। और जहाँ डाउटफुल केसेस होते हैं, जैसे मेडिकल डॉक्टर देख रहा है मरीजों को, तो मेन हमारी जो होती है हैंड वॉश और जो है ग्लव्स, एंड पहला होता है आपका मास्क। अगर मास्क नहीं पहनता है वो, तो फिर आप ये मान के चलिए कि वो जो है इन्फेक्शन के लिए डाउट है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कौन पॉजिटिव निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन वो मास्क अगर पहना हुआ है पूरा तो दैट इज़ सफिशियंट होता है। सर, इतनी भारी संख्या में लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, सर ये आकलन कैसे कर पाएंगे कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन अहमबाद है, किसी को कोरोना पॉजिटिव रहा तो सामने बिना पीपी किट। देखिए, पीपी किट पहनना किसके लिए प्रोटेक्शन है, जो कर रहा है उसके लिए ना। जो मैं जैसे कर रहा हूँ टेस्ट, तो पीपी किट तो मेरे लिए प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि पेशेंट के लिए है। तो अगर मैं अपना जो है फुल ये मास्क लगाया हुआ हूँ तो आपके इसके वायरस कहाँ से जाएंगे, नाक से, मुंह से और आंख से। सर कितनी बड़ी, ठीक है, नहीं इसको लापरवाही नहीं माना जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पेशेंट जाते हैं दैट फुल पीपी किट इज मैंडेटरी। अगर आप पार्ट अगर कुछ और काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन द पार्ट ऑफ द पीपी किट इज मैंडेटरी। मतलब कुल मिला के ये है कि वो वायरस के इन्फेक्शन से बचे, और बचने के लिए मेन है कि आपका नाक मुंह ढका होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके नाक मुंह से जाएगी, और अगर आप उसको हटाते हैं तो आपका हैंड वॉश होना चाहिए, ताकि आप नाक मुंह आपको छूने से पहले अपने हैंड वॉश करें। अगर हमारे एक्सपर्ट कर्मचारी इतना करते हैं दे आर प्रोटेक्टेड। सर इस तरह का भी कुछ नहीं किया जा रहा है? नहीं नहीं देखिए, वो तो मेडिकल एक्सपर्ट है ना। पीपी किट का तो हुआ था पहले, सैनिटाइजर का हुआ था कि सबको सैनिटाइजर, जब हमने ट्रेनिंग दी कि सैनिटाइजर इज बेकार, वो तो मेडिकल के लिए हैंड वॉशिंग इज सोप एंड वाटर बेस्ट है। अब खुद जाके देख लीजिए कितने लोग हैंड सोप एंड वाटर से धो रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, तो अगर हमारा कर्मचारी इतना ट्रेंड है और हमारे कोई कर्मचारी इन्फेक्टेड आज तक नहीं हो रहा है, इसलिए उस पर डाउट करने का आपका कोई वो नहीं है, वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है अगर मास्क लगा कर रहा है।